मुजफ्फरपुर पुलिस ने एटीएम मशीन को तोड़कर लूटने का प्रयास करने वाले चार अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ा। मुजफ्फरपुर अय्यापुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड काली मंदिर के पीछे स्थित HDFC बैंक के एटीएम को तोड़ रहे व लूटने का प्रयास कर रहे चार अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, 50 स्मैक की पुड़िया और एक लोहे की रॉड को बरामद किया है। ये सभी अपराधी HDFC बैंक के ATM रूम में घुसकर ATM मशीन को तोड़कर लूटने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने इन सब को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने एक दूसरे मामले में लूटपाट की कोशिश कर रहे 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सरैया थाना क्षेत्र के कदम चौक पर छापेमारी करके 3 अपराधियों को एक देसी कट्टा और एक गोली के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूटपाट करने के प्लान का खुलासा किया है, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में मुजफ्फरपुर पुलिस ने 7 अपराधियों को 3 हथियार, बाइक और स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया है, जो सरैया थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर को लूटने वाले थे और इसके अलावा अय्यापुर थाना क्षेत्र में एक ATM को उठा के ले उखाड़ के ले जा करके और बड़ी घटना को वारदात देने वाले थे। इस संबंध में CTSP मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में जो टीम बनाई गई थी, उसने दोनों ही जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद पकड़े गए क्रिमिनल से जो पूछताछ हुई, उससे आगे के जो लीड मिले उससे कई कांडों का खुलासा हुआ है। पुलिस को अपराध रोकने में बड़ी सफलता मिली है। कितने लोगों की लगभग गिरफ्तारी है? टोटल 7 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से 3 हथियार हैं, 1 बाइक और इसके अलावा जो स्मैक और बरामद हुआ है। इसके इन लोगों ने अपनी कई अन्य कांडों में भी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसका हम लोग छानबीन कर रहे हैं। सरैया में सर क्या अपडेट? सरैया में वैशाली के 3 लोग थे, जो कि वहाँ पर आकर एक ज्वेलर को लूटने का इनका प्लान था और जिसको अरेस्ट किया गया है। इनके पास से 1 हथियार, बाइक और अन्य सामान बरामद। सब थोड़ा और पीछे आ जाएगा तो पूरा आ जाएगा। पीछे